हेलो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं आरपीएम टेस्ट का। ठीक है, आरपीएम टेस्ट में सबसे पहले मेन सप्लाई के हैंडल को डाउन किए, ऑन किए, एमसीबी को ओपन किए। ठीक है, ओपन करने के बाद ऊपर किए और ग्रीन बटन को प्रेस किए। ग्रीन बटन प्रेस करने के बाद आप वोल्टेज को ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक है, वोल्टेज ऑब्जर्व करने के बाद आपको समझ में आएगा कि सप्लाई हमारा ठीक है और जहाँ तक सप्लाई जाती है उसको ऑब्जर्व कर लें। देखने के बाद हमारे पास देखिए दो टेकोमीटर है, एक कॉन्टेक्ट वाला टेकोमीटर है और एक सेंसर वाला टेकोमीटर है। ठीक है, दोनों से हम लोग देखेंगे कि मोटर एक मिनट में कितना बार घूम जा रहा है। ठीक है, चलिए पैनल के मेन एमसीबी को ऑन करते हैं। मेन एमसीबी ऑन करने के बाद हम देखते हैं पैनल में सप्लाई आती है कि नहीं, तो एमसीबी को ऑन करते हैं पैनल वाला। ठीक है, सप्लाई हमारी आ रही है, पैनल ऑन कर दिए। ठीक है, पैनल ऑन करने के बाद अब हम देखते हैं मोटर को, एक बार देख लेते हैं सब कुछ ठीक है, कनेक्शन टाइट है, कोई भी लुत्ती चिंगारी, वो ग्रीन बटन है, वो रेड बटन है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि मोटर को ऑन करने के लिए पैनल के रेड बटन को पुश करेंगे। मोटर को प्रॉपरली देख लिए, चलिए पुश कर दिए हम और हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा मोटर ऑन हो गया। ठीक, अब देखिए मोटर हमारा ऑन हो गया। तो सबसे पहले हम जो कॉन्टेक्ट वाला टेकोमीटर था उससे इस मोटर की स्पीड चेक करेंगे कि एक मिनट में कितनी बार घूम जा रहा है, इसीलिए बोलते हैं रोटेटिंग पर मिनट आरपीएम। ठीक है, चलिए देखिए वो बटन प्रेस करेंगे, रेड वाला प्रेस रखे रहेंगे और उसको इतने तेज़ी से उसके अंदर चिपकाना है जो छिद्र दिख रहा है कि उसके बीच में कोई गैप ना रहे। ठीक है, वही नोक जो दिख रहा है इसी को हमको क्या करना है, उसके अंदर पिरोना है। देखिए जो बिंदु है ना वो उसी में अंदर तेज़ी से कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। चलिए देखिए ऐसे नहीं करना, ऐसा करना है कि एक ही बार में उसमें सेट हो जाए। चलिए देखिए हो गया। ठीक है, जो पहला डिजिट है वो कुछ और बताता है, आप इसको अभी स्किप कर दीजिए। देखिए 1496 आरपीएम हमारा स्पीड है, मतलब मोटर हमारा एक मिनट में 1496 बार घूम जा रहा है गोल गोल। समझ में आया मोटर का रोटर। चलिए तो ये वाला चेक हो गया। अब हम देखते हैं कि सेंसर वाला टेकोमीटर था, इससे हमारी स्पीड कितनी बताती है, क्या सेमी स्पीड बताती है। चलिए देखिए इसमें क्या करना है कि इसमें भी जो बटन है उसको क्या करना है, प्रेस करके इसको लेजर को बारना है। ये लेजर बहुत खतरनाक है, लेजर वहीं पे बारना है जहाँ पे हमको क्या करना है, रिफ्लेक्ट हो जाए टोटल। ठीक है, उसी प्लेन पे बारना है जिसपे पूरा लेजर। इसमें भी देखिए 1496 आरपीएम है, मतलब कि दोनों से हमारा क्या है, सेम आरपीएम आ रहा है। ठीक, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा मोटर है कितना घूम रहा है, 1496 की स्पीड से आरपीएम से घूम रहा है। ठीक है, चलिए अब सिंपल जैसे ऑन किए थे वैसे ऑफ कर देंगे। सबसे पहले मोटर को ऑफ कर दिए, देखिए मोटर ऑफ हो गया। ठीक है, अब मोटर धीरे धीरे ऑफ हो जाएगा। मोटर ऑफ होने के बाद अब एमसीबी को डाउन कर दिए, फिर पैनल के मेन एमसीबी को डाउन करेंगे। ठीक, फिर मेन सप्लाई के पास जाएंगे, मेन सप्लाई में गए। ठीक है, मेन सप्लाई एमसीबी को डाउन किए। ठीक, और हैंडल को डाउन कर दिए, हमारी सप्लाई कट हो गई। धन्यवाद।